ओवर ब्लीडिंग हो गई किसी बहन को, बोले जी आचार्य जी कोई घरेलू नुस्खा कोई दवाई बता दो। तो मैंने देखा कि कोई ऐसी औषधि क्या बताऊं, सडनली मेरे को ध्यान आया कि मैंने कहा कि हरे धनिया आपके पास है? तो बोले जी हाँ धनिया तो है। हमने कहा इसको लगभग 5 ग्राम के लगभग इसको पीस करके पानी मिला करके मिश्री मिला करके पिला दीजिए। उन्होंने पानी मिला करके मिश्री मिला करके पिला दिया और तत्काल 1-2 दिन में ही उनको जो ओवर ब्लीडिंग हो रही थी उसमें तुरंत लाभ हो गया। तो ये ओवर ब्लीडिंग के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिनको मूत्र में परेशानी है, मूत्र कृश है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब खुल करके नहीं होता है, उनको भी यदि आप धनिया का पानी पिलाते हैं तो वह तो भी बहुत ही लाभकारी है। जिनके शरीर में से जो भयानक दुर्गंध आती हो, आंवला धनिया और मिश्री पाउडर करके, जो डायबिटिक के रोगी हैं, आंवला और धनिया, आंवला ज़्यादा ले लीजिए, लगभग 3 भाग आंवला ले लीजिए और 1 भाग ले लीजिए धनिया। तो 3 भाग और 1 भाग यदि आप ले लेते हैं तो उससे आपको पाउडर बना करके सुबह शाम लगातार ले लेते हैं तो पसीने की बदबू भी खत्म हो जाएगी और जिनको ज़्यादा पसीना आता है वो भी ठीक हो जाएगा। जिसको ब्लड की डिसेंट्री, रक्तातिसार जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, उसमें भी धनिया का पाउडर जो है 1-1 चम्मच यदि आप पानी से ले लेते हैं तो बहुत ही लाभकारी है।